दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान की। जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा उसी को डिस्कस करने वाले हैं। 25x50 बहुत ही बेहतरीन प्लान है, 25x50 का विद कार पार्किंग, और इसमें आपको बेडरूम वगैरह, दो लेटरिन बाथरूम, किचन, स्टेयर्स, पूजा घर वगैरह सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे 25x50 का। तो चलो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपसे हम गुजारिश जरूर करना चाहेंगे, अगर आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। और आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं, आप किसी भी टाइप का मकान का, घर का, या आप होटल का, रेस्टोरेंट, स्कूल, किसी का भी अगर मैप बनवाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट करें, आप मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपसे मैसेज पर बात की जाएगी, कॉल करके भी बात की जाएगी और सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएंगी। इसके बाद आपका घर रेडी कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। चलो जो आज का टॉपिक है 25x50 का फिथ कार पार्किंग हाउस वाइड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। टोटल एरिया आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप ये प्लान देख रहे होंगे, इसका मैंने आउटर वॉल और जितना भी इसकी स्केच है क्रिएट कर रखा है। सर मैं इसे आपको हाईलाइट करूंगा कहां पर विंडो, कहां पर डोर वगैरह लगने वाला है, तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ का बाउंड्री है। मैं बता दूं साइज ऑलरेडी ये 25 फीट है और ये 50 फीट है, और ये मैंने जितना भी इसका स्केच है ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है पहले से। अब मैं इसमें आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा कहाँ पर डोर, कहाँ पर विंडो लगता है, और साथ साथ इनका साइज क्या है। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहाँ पर क्या क्रिएट किया, अभी केवल आपको स्केच दिख रहा होगा। तो सबसे पहले विंडो की बात कर लूँ, ये दोस्तों 3 साइड क्लोज्ड हाउस है। फर्स्ट आप 3 साइड क्लोज्ड है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जो आप एरिया देख रहे हैं पीछे, ये दोस्तों आपका ओपन स्पेस रहेगा। और पहले मैं विंडो क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये आपका ओपन स्पेस मतलब जाल यहाँ ऊपर रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक विंडो लगा दें, ये ओपन स्पेस होने के कारण मैं यहाँ विंडो लगाऊंगा, जिससे आपका पीछे से वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। इसके बाद ये आपका वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ख़त्म होगा, और यहाँ पर आप जस्ट 7 फीट के ऊपर आप एक विंडो यहाँ पर लगा सकते हैं ऊपर। और ये विंडो होने के बाद आपका ये एक बेडरूम है, और ये दोस्तों किचन है। ये दोस्तों किचन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप किचन में या तो इसे ओपन रखें, अगर आप डोर लगाते हैं तो आप यहाँ पर विंडो दे सकते हैं, क्योंकि आपका वेंटिलेशन पीछे से प्रॉपर तरीके से होने वाला है। और ये दोस्तों आपका एक पूजा घर है, मैं ये भी मेंशन करूँगा। और ये आपका जो पूरा लिविंग एरिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर, ये पूरा हॉल, तो आप इस रूम वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आप विंडो लगा सकते हैं। मैं एक विंडो यहाँ पर दिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम विंडो का ना हो। और पीछे आपका ओपन स्पेस है मतलब जाल है, तो आप यहाँ पीछे भी एक विंडो दे सकते हैं इस रूम के लिए, जिसमें आपका वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ये तो होगी पीछे की बात। अब बात करते हैं हम आप इस वाले बेडरूम की। तो इस बेडरूम में आपका यहाँ पर सिटिंग एरिया रहेगा, और ये पूरा आपका यहाँ पर ओपन स्पेस होगा, जिससे आपको मैं एक विंडो यहाँ पर देता हूँ। इसके बाद विंडो यहाँ पर मैं एक मेंशन कर देता हूँ, और ये आपका कार पार्किंग का स्पेस है। तो आगे फ्रंट से भी आप एक विंडो दें, इसमें पूरा प्रॉब्लम यहाँ से। तो अभी केवल मैं विंडो मेंशन कर रहा हूँ, अभी मैं सारी चीज़ें और मेंशन करूँगा। तो ये तो आपकी विंडो हो गई। अगर आपका ये सपोज दैट पीछे से ओपन है या साइड से ओपन है, अगर साइड से ओपन है तो आप यहाँ भी विंडो वगैरह दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका साइड से ओपन है इस तरफ से, तो आप यहाँ एक विंडो दे दें, जिसमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, विंडो दे सकते हैं या आप डोर दे सकते हैं। तो फिलहाल ये तब की कंडीशन है जब आपका 3 साइड क्लोज्ड होता है, ओपन होता है, तो यहाँ पर भी आप विंडो दे सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर ये बगल में रोड है तो आप यहाँ विंडो दें, अन्यथा आप यहाँ पर पूरा हाईलाइट करते हैं। अब मैं वॉल को हाईलाइट कर देता हूँ, जितनी भी वॉल्स यहाँ पर क्रिएट हुई मैंने सबको इन्हें हाईलाइट करता हूँ। तो सबसे पहले ये वाली वॉल मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये देखिएगा, मैं ये जितनी वॉल है, ये आउटर वॉल है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको बेहतरीन सा दिखने लगे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिएगा, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे आपका सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल सी दिखेंगी और थोड़ा अच्छा लुक लगने लगता है हाईलाइट करने के बाद। तो ये देखिएगा, मैं आउटर वॉल हाईलाइट कर रहा हूँ ऑलरेडी पहले से ही। तो ये चारों तरफ आप हाईलाइट कर दें, ये सिर्फ विंडो को आप यहाँ पर छोड़ दें, जहाँ पर विंडो लगा है वो एरिया आप छोड़ते जाएँ, और आप सारा हाईलाइट कर दें यहाँ पर। तो ये देखिएगा, अब चलो मैं इनर को करता हूँ, जो इनर ये अब देखिए बाहर वाली जो वॉल है आपकी दोस्तों, आप 9 इंच रखवाना चाहते हैं तो 9 इंच रखवाएं, अगर आप 5 इंच रखवाना चाहते हैं तो 5 इंच रखवाएं, या आप पे डिपेंड करता है क्या रखवाना चाहते हैं।
तो अब ये आप देखिएगा, ये वॉल मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, तो ये अब ये पूरा रूम हाईलाइट कर दिया, और पीछे का जो भी यहाँ पर स्पेस है उसे भी मैं हाईलाइट करता हूँ। तो ये वॉल क्रिएट हो रही है, और ये इस वाले एरिया को भी हाईलाइट कर देते हैं हम। तो ये आपका हाईलाइट हो चुका है, और ये बेडरूम बचा तो इसको भी मैं, अभी मैं आपको इसका कहाँ पर क्या मैंने बनाया और इसका साइज़ क्या है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये फ्रंट का भी मैंने ये हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट करने के बाद ये अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले ये ओपन स्पेस है आपका, पीछे आप यहाँ पर जाल रखवाएंगे, ओपन स्पेस आपका ये यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ये आपका लेट और बाथ है पीछे, जो कि रूम से होकर जाएगा। इसके बाद ये आपका किचन एरिया है, ये आपका किचन है, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका पूजा घर है दोस्तों, आप एक पूजा घर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका एक बेडरूम है, आप देखो ये एक बेडरूम क्रिएट हो गया, और ये आपका पूरा लिविंग एरिया रहेगा दोस्तों, ओपन एरिया बोल सकते हैं, लिविंग एरिया ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका एक बेडरूम रहेगा, और ये आपका सिटिंग एरिया रहेगा, यहाँ पर आप सोफ़ा वगैरह डाल सकते हैं। ये आपका पूरा सिटिंग एरिया मैं यहाँ क्रिएट किया हूँ, और इसके बाद ये आपका एक लेट एंड बाथ है, और यहाँ पर आपकी स्टेयर्स रहेंगी दोस्तों, यहाँ से आपकी स्टेयर्स ऐसे जाने वाली है। मैं चलो मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये आपकी स्टेयर्स यहाँ पर ऐसे जाएगी और यहाँ पर आकर मुड़ जाती है। ये थोड़ा सा आप देखिएगा दोस्तों, ये आपको स्टेयर्स मैंने हाथ से क्रिएट किया है, तो आपको हो सकता है थोड़ा कहीं पतला हो गया, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। ये आपकी स्टेयर्स यहाँ पर जाने वाली हैं, तो ये आपकी स्टेयर्स यहाँ से अप रहेंगी। ये आपका दोस्तों कार पार्किंग का स्पेस है, कार पार्किंग का, अभी मैं बताऊँगा कहाँ पर कितना साइज है। और इस फ्रंट में आपका यहाँ स्पेस रहेगा, आप गार्डन वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर स्पेस। ये तो सारी चीज़ें आपकी हो गई, अब बता दूँ तो इसका साइज़ क्या है। तो अगर हम ओपन स्पेस की बात करें तो ये पूरा दोस्तों 15x3 फिट का है, और ये लेटरिन और बाथरूम आपका 7x3 फिट का है, मतलब ये सारी फिट में मैं बता रहा हूँ। और किचन का जो एरिया रहेगा 10x8 फिट में रहेगा, और ये वाला बेडरूम है जो वो 12x11 फिट का रहेगा, और ये जो आपका लिविंग एरिया पूरा दिख रहा है आपको ये 23x3 का रहने वाला है। आप इसे अरेंज कर लें, और ये बेडरूम जो है 11x12 का होगा, और ये सिटिंग एरिया जो आपका है ये आपका 12x9 का रहने वाला है, और ये आपका जो लेट और बाथरूम है ये वाला, यहाँ पर आप विंडो लगा डोर लगा सकते हैं, ये आपका 5x3 का रहेगा। और ये आप पूरा ऊपर स्पेस देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा मॉडल क्रिएट होकर आपका रेडी हो जाता है दोस्तों 25x50 में। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर कार पार्किंग, यहाँ पर आपका मेन डोर लगेगा, ये फ्रंट होगा, मैं आपको बता दूँ ये यहाँ पर दोस्तों फ्रंट होने वाला है, फ्रंट है, और यहाँ पर कार पार्किंग होगा, ये आपका स्पेस गार्डन वगैरह रहेगा, ओपन स्पेस, ये आपकी स्टेयर्स और लेटरिन बाथरूम मिलती है, इसके जस्ट पीछे आपको बेडरूम, और ये ओपन स्पेस रहेगा, सिटिंग एरिया जिसको मैं बोल रहा हूँ, यहीं से आप अंदर पास होकर जाएंगे, यहाँ पर आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं। ये एक हॉल लिविंग रूम टाइप का रहेगा बड़ा सा, एक बेडरूम मिलेगा, पूजा घर, किचन, ओपन स्पेस, लेट एंड बाथरूम कंबाइंड एक पीछे मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल क्रिएट होकर आ जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अगर आप कोई भी रिकमेंडेड मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, या आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में ही, कि आप हमारी पेड सर्विस का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप किसी भी टाइप का 2D मैप या 3D मैप क्रिएट करवा सकते हैं। तो 25x50 आज का प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अन्य सोशल मीडियाज़ पर जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।